अब अक्षय कुमार के गाने का हुआ रीमिक्स, फिल्म अफलातून का गाना पोस्टर लैग वर्ड हुआ रिलीज, कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की फिल्म लुका छिपी का नया गाना रिलीज हो गया है। अक्षय कुमार और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म अफलातून के गाने पोस्टर लगवा दो बाजार में को ही रीमिक्स कर ये गाना बनाया गया है। इस नए गाने को गाया है रीमिक्स गानों के चैंपियन बन चुके मीका सिंह ने। हाल ही में 90 के दशक के कई गाने रीमिक्स होकर आए हैं, जैसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया का गाना तमा तमा, KGF में गली गली में फिरता है, और हाल ही में सिम्बा का गीत आँख मारे भी रीमिक्स ही है। लुका छिपी में कार्तिक आर्यन और कृति सैनन एक ऐसे कपल के रूप में हैं जो बिना शादी के साथ रह रहे थे और पकड़े जाने पर वो झूठी शादी का नाटक रच डालते हैं। इसके बाद अपनी झूठी शादी को बचाने के लिए बोले जाने वाले सारे झूठ वो बोलते हैं। ऐसे में ये गाना फिल्म की थीम को काफी सूट करता है और इसी बहाने अफलातून फिल्म की भी यादें ताजा हो गई हैं। 1997 में आई अफलातून निर्देशक गुड्डू धनोआ की एक फ्लॉप फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भले ही लोकप्रिय हुए लेकिन फिल्म बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म में अक्षय ने डबल रोल किया था लेकिन कमजोर कहानी और स्क्रीन अप्ले के चलते फिल्म को खराब रिस्पॉन्स मिला था। फिलहाल कार्तिक आर्यन को अपनी आगामी फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और लगता है कि लुका छिपी एक बड़ी हिट साबित हो सकती है।